हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल पाठशाला। फ्रेंड्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2.1 ऑफ NBHM MSC 2016 एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमें एक सीक्वेंस दी गई है जो डिफाइंड है xn प्लस 1 बराबर 1/2 मल्टीप्लाई बाय xn प्लस 5/xn, और जो आपका n है फ्रेंड्स वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया हुआ है, और x नॉट आपका कोई एक आर्बिट्री पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो x नॉट बिलोंग्स टू r प्लस। तब आपसे क्या बोला गया है, विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एक्स एन ग्रेटर देन इक्वल टू रूट 5। तो फ्रेंड्स, इस ऑप्शन को अगर आपको सही बताना है तो इसे प्रूफ करके बताओ, और अगर गलत बताना है तो इसका कोई काउंटर एग्जांपल लेके बताओ। यानी कि आप n की कोई एक ऐसी वैल्यू फाइंड आउट कर दो जिसके लिए एक्स एन ग्रेटर देन इक्वल टू रूट 5 नहीं आ रहा, तो आपका ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम इस रिकरेंस रिलेशन से सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो एक्स एन प्लस 1 आपका किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ, और मैं अगर एक्स एन एलसीएम ले लूं तो एक्स एन स्क्वायर प्लस 5। और आप यहां से देख सकते हो फ्रेंड्स कि ट्वाइस एक्स एन को मैं एलएचएस में मल्टीप्लाई कर दूं तो ट्वाइस एक्स एन प्लस 1 बराबर एक्स एन स्क्वायर प्लस 5। आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि आपकी ये वाली जो इक्वेशन है ये एक्स एन के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। कैसे, एक्स एन स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स एन प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स एन, मैं बस इस टर्म को इधर लेके आ रहा हूँ, ठीक है, प्लस 5 बराबर 0। अब ये वाली जो इक्वेशन है ये एक्स एन के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि अब हमारी जितनी भी एक्स एन की वैल्यूज़ हैं, यानी कि सिक्वेंस की जितनी भी टर्म्स हैं, वो सारी की सारी पॉजिटिव रहने वाली हैं। क्यों, देखो x नॉट एक आर्बिट्री पॉजिटिव रियल नंबर है, x1 फाइंड आउट करोगे हमेशा एडिशन का ही साइन आ रहा है तो वो पॉजिटिव आएगा, x2 भी पॉजिटिव आएगा, तो इतना तो हमें पता है कि पॉजिटिव आएगा और रियल नंबर आएगा, बस वही हमें यूज़ करना है। देखो कैसे, अब जो xn के अंदर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर इसके रियल रूट्स होंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा फ्रेंड्स, बी स्क्वायर माइनस 4ac हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो आप उस वाली कंडीशन को यूज़ कीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 क्यों नहीं हो सकता, लेस देन 0 होते ही इमेजिनरी रूट्स आ जाएंगे। पर हमें पता है कि xn जो हमारी सीक्वेंस है इसके अंदर n की किसी भी वैल्यू के लिए xn कभी भी इमेजिनरी नंबर नहीं बनेगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यूज़ करेंगे, तो ट्वाइस एक्स एन प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 4 टाइम्स, अब a क्या होता है, एक्स एन स्क्वायर का कोफिशियंट वो कितना है 1, तो 4 इंटू 1 इंटू 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब आप यहां से देख सकते हो फ्रेंड्स कि 4xn प्लस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 20। अब 4 से मैं डिवाइड कर दूं तो यहाँ 5 बचेगा, तो एक्स एन प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट 5। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से हमें पता चला कि हमारी जो सीक्वेंस की सारी टर्म्स हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू रूट 5 है। अब देखो, इसने n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोला है ना, तो ये वाली जो इनइक्वालिटी है ये n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ट्रू होगा। तो n की वैल्यू 0 रखोगे तो एक्स वन ग्रेटर देन इक्वल टू रूट 5, फिर n की वैल्यू 1 रखोगे तो एक्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू रूट 5। तो यानी कि ये हमारा जो स्टेटमेंट है फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एक्स एन ग्रेटर देन इक्वल टू रूट 5, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो, अब उसके बाद ऑप्शन नंबर बी के अंदर हमें मोनोटोनिसिटी चेक करनी है कि हमारी ये जो सीक्वेंस है ये मोनोटोनिक है या फिर नहीं। तो मोनोटोनिक कैसे चेक करेंगे, एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो एक्स एन प्लस 1 क्या है, हाफ एक्स एन प्लस 5 अपॉन एक्स एन माइनस एक्स एन। ठीक है, एक्स एन प्लस 1 की वैल्यू ये रखी, एक्स एन ये रहा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं एक्स एन एल सी एम लेता हूँ, तो 1/2 एक्स एन जब एल सी एम लिया तो ऊपर क्या बचा, एक्स एन स्क्वायर प्लस 5 माइनस का एक्स एन। अब ये जो ट्वाइस है फ्रेंड्स,
इस टू को मैं इधर लेके आ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वन अपॉन टू से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखो ट्वाइस एक्स एन को मैं एलसीएम ले रहा हूँ, तो यहाँ से बचेगा एक्स एन स्क्वायर प्लस फाइव माइनस का ट्वाइस एक्स एन स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब आप एक्स एन स्क्वायर में से ट्वाइस एक्स एन स्क्वायर को माइनस करोगे तो क्या बचेगा, माइनस एक्स एन स्क्वायर। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा, 5 माइनस एक्स एन स्क्वायर। अब आप जानते हो फ्रेंड्स कि एक्स एन अगर ग्रेटर देन इक्वल टू रूट फाइव है तो एक्स एन स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव होगा। तो 5 माइनस एक्स एन स्क्वायर क्या होगा फ्रेंड्स, लेस देन इक्वल टू जीरो। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि 5 माइनस एक्स एन स्क्वायर आपका लेस देन इक्वल टू जीरो आ गया। तो आपका ये वाला जो टर्म है, ये वाली टर्म आ रही है आपकी लेस देन इक्वल टू जीरो, और ये वाली जो टर्म है फ्रेंड्स आपकी, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगी, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा था कि सिक्वेंस की कोई भी टर्म नेगेटिव नहीं बन सकती। तो अब यहाँ से हमारे पास क्या आया कि एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन लेस देन इक्वल टू जीरो आ गया। तो फ्रेंड्स ये जो हमारी सिक्वेंस है ये मोनोटोनिक हो जाएगी, ठीक है, और एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन लेस देन इक्वल टू जीरो आया है, इसलिए जो हमारी सिक्वेंस है वो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो जाएगी। और आप देख सकते हो कि फ्रेंड्स हमारी जो सिक्वेंस है वो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, और उसकी जो लोअर बाउंड है यानी कि सिक्वेंस का जो इन्फीमम हमें मिल रहा है वो रूट फाइव मिल रहा है। हम एक रिजल्ट जानते हैं कि मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सिक्वेंस इन्फीमम पर कॉन्वर्ज करती है, तो हमारी ये जो सिक्वेंस है ये कॉन्वर्जेंट होगी और इसकी लिमिट जो होगी वो रूट फाइव होगी। तो ऑप्शन नंबर सी में आपको बोल रहा है कि आपकी जो सिक्वेंस है एक्स एन वो कॉन्वर्जेंट है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी भी ट्रू हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी तीनों ही ट्रू ऑप्शंस हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।